वेलकम टू दी 118th एपिसोड ऑफ नटी न्यूज। और भाई क्या हाल है, जैसे भी हो घर में ही रहना। इस वीक कई नए अपडेट्स आए हैं, स्पेशली डिज्नी प्लस के शोज से रिलेटेड और एमसीयू में सीक्रेट वार स्टोरी लाइन को लेकर। तो ऑब्वियसली पूरी तरह से अपडेटेड रहना है तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। चलो स्टार्ट करते हैं कॉमिक कॉन एट होम से। तो यार 22 जुलाई से 26 जुलाई के बीच कॉमिक कॉन एट होम चलेगा, जो कि आप घर से ही फ्री में एंजॉय कर पाओगे। वैसे मैंने इसका पूरा शेड्यूल लास्ट वीक के नडी न्यूज में दे दिया था, लेकिन इस वीक ये भी अपडेट आए हैं कि इसके कुछ पैनल्स IGN के यूट्यूब चैनल पे रहेंगे। तो फिर से मैं डिस्क्रिप्शन में कॉमिक कॉन और IGN के यूट्यूब चैनल का लिंक दे देता हूँ। वैसे फिर भी अगर आप कुछ मिस कर देते हो एंड कुछ सुपर हीरो से रिलेटेड अपडेट आता है तो मैं नेक्स्ट वीक के नडी न्यूज में बता दूंगा। उसके लिए सिर्फ आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है। नेक्स्ट एक अनयूज्ड प्रोमो आर्ट है फार फ्रॉम होम से, जिसमें हम स्पाइडरमैन को गिरा हुआ देखते हैं एक फिश बॉल में। ऑब्वियसली यहाँ फिश बॉल से मिस्टीरियो का हिंट दिया गया है, बट इसे यूज नहीं किया गया था क्योंकि इसमें ऑब्वियसली स्पॉइलर थे। बट टू बी ऑनेस्ट ये बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव था। मुझे तो ये एंटमैन के इस पोस्टर से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। आगे कुछ एक्समैन के एक्ट्रेस हैं जो कि अपने रोल को एमसीयू में कंटिन्यू करने में इंटरेस्टेड हैं, जिसमें सबसे पहले डैफने किन है जिन्होंने लोगन में X23 का रोल किया था, और फिर फैमके जैनसन जिन्होंने जीन ग्रे का रोल किया था। ये दोनों ही अपने रोल को एमसीयू में कंटिन्यू करना चाहती हैं, बट मार्वल वाले एक्समैन को लेकर कुछ कर ही नहीं रहे, अभी तक तो नहीं कर रहे। अब वापस से फिर से अगर स्पाइडरमैन पे आते हैं तो टॉम हॉलैंड ने रिवील किया है कि स्पाइडरमैन के थर्ड पार्ट की शूटिंग नेक्स्ट ईयर फरवरी में कंप्लीट हो जाएगी। वैसे इसकी इसी साल जुलाई के एंड तक शूटिंग स्टार्ट होने वाली है, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब टॉम हॉलैंड की बात हुई है तो यहाँ से ये भी अपडेट आया है कि नेक्स्ट वीक उनके अनचार्टेड मूवी की भी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। और इन सब के ऊपर से टॉम हॉलैंड और सेबेस्टियन स्टैन की एक और मूवी द डेविल ऑल द टाइम इसी साल सितंबर में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। मतलब टॉम हॉलैंड की चांदी ही चांदी चल रही है। और भाई ये सब यहीं पे नहीं रुका है, टॉम हॉलैंड की एक मूवी रूसो ब्रदर्स के साथ भी है। अब जब रूसो ब्रदर्स की बात आ ही गई है तो उनकी एक और मूवी जल्द ही रिलीज होने वाली है। दो दिन पहले ही रिवील किया गया कि रायन गॉसलिंग और क्रिस इवेंस द ग्रे मैन नाम की एक नेटफ्लिक्स मूवी में साथ दिखने वाले हैं, और इसे डायरेक्ट करने वाले हैं रूसो ब्रदर्स। ये नेटफ्लिक्स की सबसे ज्यादा बजट वाली मूवी होगी। अब आते हैं डिज्नी प्लस के एमसीयू के शोज पे। तो यार सबसे पहले अगस्त में फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर रिलीज होने वाली थी, बट अब इसे डिले कर दिया गया है। वैसे अभी इसका नया रिलीज डेट नहीं बताया गया, लेकिन जल्दी रिवील कर दिया जाएगा। अब इस डिले के बाद सब सोच रहे थे कि बाकी दूसरे शोज भी डिले होंगे, लेकिन वांडा विजन जो कि नेक्स्ट ईयर रिलीज होने वाली थी, अब रिपोर्ट्स ऐसे हैं कि वो इसी साल रिलीज होगी, बट किस मंथ में अभी नहीं पता। अगर हॉकी के शो की बात करें तो इस शो के लिए डायरेक्टर को फाइनल कर लिया गया है, और यूनिक ये बात है कि इस शो के लिए एक नहीं बल्कि तीन तीन अलग अलग डायरेक्टर्स हैं, बर्ट एंड बर्टी और इन दोनों के साथ राइस थॉमस। ये तीनों मिलकर इस सीरीज के एपिसोड डायरेक्ट करेंगे। इससे पहले बर्ट एंड बर्टी ने ट्रूप जीरो डायरेक्ट किया था, और राइस थॉमस अपने कई फेमस डॉक्यूमेंट्रीज के लिए जाने जाते हैं। लेकिन यहीं पे इसी शो से ये भी रिपोर्ट आए हैं कि हेली स्टाइनफील्ड, जो कि पहले इसमें केट बिशप का रोल के लिए कंसीडर की गई थी, अब ये रोल नहीं करने वाली है। वहीं अगर लोकी के शो पे बढ़े तो इसके डेट में कोई चेंजेस नहीं है, और ये नेक्स्ट ईयर मार्च से जून के बीच रिलीज होगी। होप सो कि अब और कोई चेंजेस ना हो और धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाए। नेक्स्ट है डॉक्टर स्ट्रेंज 2 से एक छोटा सा अपडेट। कुछ ऐसे अपडेट्स आए हैं कि इसमें हमें एक मार्वल कॉमिक्स के मिस्ट्री कैरेक्टर दिख सकता है। गेस किया जा रहा है कि ये कोई विलन होगा, एंड सबसे ज्यादा चांसेस डॉक्टर डूम या फिर कैंग द कंकरर का है। अब अगर लास्ट वीक का नडी न्यूज आपको याद हो तो मैंने बताया था कि कॉन्स्टेंटीन पे सोलो मूवी बन सकती है। इसी पे 2005 में आई कॉन्स्टेंटीन के मूवी के डायरेक्टर फ्रांसिस लॉरेंस ने बोला है कि रिसेंटली इसके सीक्वल को लेकर उनकी डिस्कशन कियानू रीव्स से हुई है, और वो दोनों इस प्रोजेक्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं। लेट्स सी कि वार्नर ब्रदर्स इस मूवी में इंटरेस्ट दिखाते हैं या नहीं। नेक्स्ट एक डिलीटेड सीन सामने आया है इन्फिनिटी वॉर से, जहां ये रिवील हुआ कि हल्क इन्फिनिटी वॉर में ही स्मार्ट हल्क में ट्रांसफॉर्म हो गया था, लेकिन इस सीन को मूवी से ही डिलीट कर दिया गया। That's okay. We worked it out. In fact, I'd say it's gone from worst case scenario to, well, I don't know if it's best case, but at least it feels very, very manageable. अब आगे एक बहुत हीरोइक स्टोरी है, जहां 6 साल के बच्चे ने अपनी बहन को डॉग अटैक से बचाया है, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गया, और ये स्टोरी इंटरनेट पे वायरल हो गई, और कुछ मार्वल के एक्टर्स ने इस पे रिस्पॉन्ड भी किया है। सबसे पहले तो इस बच्चे को क्रिस इवेंस ने एक ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका का शील्ड देने का प्रॉमिस किया है। और इसी के बाद RDJ ने भी एक वीडियो मैसेज भेजा, जिसमें उन्होंने बोला है कि उसके नेक्स्ट बर्थडे पे उसके लिए कुछ स्पेशल सरप्राइज होगा, और साथ ही उन्होंने ये भी ऐड करते हुए बोला कि ऑब्वियसली बिगर देन द शील्ड।
I'm gonna do one better. You call me on your next birthday. नेक्स्ट आते हैं ब्लैक एडम पे। तो सबसे पहले तो यार इसकी शूटिंग जनवरी 2021 में स्टार्ट होने वाली है और इसी के साथ एक्टर नोआ सेंट भी इस मूवी में कास्ट कर दिए गए हैं और वो एटम स्मैशर के रोल में दिखेंगे जो कि एक सुपर हीरो है। एंड जाते आते अपडेट है सीक्रेट वॉर्स पे। जो रूसो ने बोला है कि सुपर विलन्स और सुपर हीरोज का एक साथ आने का आइडिया सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और ऑसम होगा, जहां सारे सुपर हीरोज और सारे सुपर विलन्स एक साथ टीम अप करेंगे एक बड़े खतरे से लड़ने के लिए। इसी के साथ उन्होंने ये भी ऐड किया कि सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन अगर अडेप्ट की गई तो वो स्टोरी लाइन इन्फिनिटी सागा की स्टोरी लाइन से भी ज्यादा बड़ी और इंटरेस्टिंग होगी। तो यार आप लोग सीक्रेट वॉर्स एमसीयू में देखना चाहोगे या नहीं कमेंट जरूर करना। एंड अभी तक वीडियो देख लिया है तो ऑब्वियसली पूरी तरह से अपडेटेड हो गए हो, तो इसलिए वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। बैटमैन के टॉप 8 विलेंस के बारे में जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और पिछले वीक की नडी न्यूज देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।